पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टाइल्स कंपनी ने कंपनी का कचरा मिट्टी रोड पर फेंक दी। विगत दिनों कंपनी से निकलने वाला कचरा टाइल्स का डस्ट इस तरह फेंकने के लिए ले जाया गया था। कारखाने से फोर्स मोटर तिराहे तक सफेद रंग का टाइल में लगने वाले केमिकल का डस्ट देखने को मिला। वहीं जब हमारा कैमरा पर्सन वीडियो फुटेज बनाने लगे तो कारखाना प्रबंधक ने आनन फानन में देर रात टैंकर से रोड पर पानी डाला गया ताकि रोड साफ हो जाए, लेकिन फिर भी रोड पर अभी भी मलबा पड़ा देखा जा सकता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना के द्वारा हमें जानकारी मिली है, अगर कोई भी उद्योग अपने कारखाने का कचरा बाहर फेंकते हैं तो हमारे द्वारा चालनी कार्यवाही की जाएगी। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। जी बताएं मैडम, पीथमपुर इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर कई उद्योग अपना अवशिष्ट जो है या डस्ट जो है वो बाहर वैसे मैदान में फेंकते हैं, उसको लेकर नगरपालिका क्या कर रही है? नगरपालिका की हमारी टीम सेक्टर 1 से 3 तक लेकर सभी एरिया में फैक्ट्री से या और भी कोई दुकानदार या घर वाले अगर मलबा फेंकते हैं बाहर तो उन पर कार्रवाई करती है। लगातार हमारी ये टीम कार्य करती है और हम बहुत सारे स्पॉट फाइन भी लगाते हैं अगर कोई इस तरह का कचरा डालता है, और समझाइश भी देते हैं उनको भविष्य के लिए। इसके बाद भी कहीं की शिकायत है अगर तो मैं उसको एग्जामिन करवा लेती हूँ, वो भी कार्रवाई करूँगी। हाल ही में देखा गया मैडम, फिनटेक्स फ्लोरिंग टाइल्स जो है इस कंपनी ने मलबा बाहर फेंका था जो रोड पर फोर्स मोटर तक देखा गया था। वहीं उन लोगों ने हमारे कैमरा पर्सन की रिकॉर्डिंग को देख कर मलबे को पानी के माध्यम से नाली में बहा दिया है। अच्छा, इसको मैं अपनी टीम जो मेरी विशेष किसी काम के लिए है उसको मैं भेजकर दिखवा लेती हूँ और उस पर बिल्कुल कार्रवाई करूंगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को भी लिखूंगी। आपका नाम बताओ। मधु सक्सेना, CMO पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।